बड़ी खबर आपको बता दें जो कि वॉर जोन से ही सामने आई है, हैरान कर देने वाली तस्वीर। रूस के ग्रेनेड हमले में बाल बाल बचा है यूक्रेनी सैनिक, गड्ढे में छिपकर रूसी हमले से किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई, उसी का वीडियो आपके सामने। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है, वीडियो आपके सामने। खेरसा में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेनी फोर्स के अटैक पे रूसी टैंक किस तरीके से तबाह हुआ है आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी फोर्स ने T-72B3 को निशाना बनाया, देखिए वीडियो। हमले के बीच भागते दिखे रूस के सैनिक। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माइक्रोवेव से बड़ी खबर आई है जहां रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने आर्टिलरी मिसाइलों से हमला किया है, रूस के सैन्य काफिले पर जोरदार हमला किया गया। ड्रोन कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीर, वीडियो आपके सामने। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार मौजूद है। टिकू साहब, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार युद्ध भूमि से वॉर जोन से तस्वीरें सामने आ रही है, अब आने वाला समय इन दोनों ही सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जब सर्दियां हिट करेंगी, जब दिसंबर जनवरी फरवरी की लड़ाई इन दोनों ही सेनाओं को करनी पड़ेगी, एडवांटेज अभी तक सब मान रहे हैं कि रशिया के लिए होगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमें पहले तो ये पता करना चाहिए हमें कि दोनों के वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। मुझे लगता है यूक्रेन का वॉर ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने स्टेट किया था कि वो रशिया को एक भी इंच अपनी टेरिटरी का कब्जा नहीं करने देंगे, और रूस का वॉर ऑब्जेक्टिव क्या था, उनको पनिश करना और ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना। जहां तक ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की बात है, वो तो रशिया ने हासिल किया, और साउथ में उनको थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन ब्लैक सी के ऊपर अभी भी उनका स्ट्रेटजिक कंट्रोल बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूक्रेन को क्या चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि नेटो को क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि नेटो किसी भी सूरत में इस जंग को ख़त्म होने देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि रशिया वहाँ पर बॉकडाउन हो जाए, और दूसरा जितना वो वहाँ पर युद्ध आगे बढ़ाएगा उतना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जिसके ऊपर अमेरिका की ज़्यादा पकड़ है, वो फलेगा फूलेगा। अभी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कम से कम $100 बिलियन के ऑर्डर्स पेंडिंग है अभी इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के बाद। अलग अलग आधुनिक हथियारों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, टैंक्स के ऑर्डर, जिन यूरोपियन देश में जो नए नए नेटो में शामिल हुए उनके पास छोटी छोटी फौज होती थी, बहुत कम आर्मामेंट्स होते थे, पर्टिकुलरली ऑफेंसिव वेपन होते नहीं थे, वो सब ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये आर्थिक नीतियों के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है, ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। मैं मानता हूँ, मैंने पहले से कहा कि यूक्रेन को एक मोहरा बनाया जा रहा है ताकि नए नए हथियारों का प्रयोग किया जाए और फिर वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और ही ज्यादा अमीर बनाए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।